देश की हालत काफी गंभीर हो चुकी है, लगातार साख में गिरावट आ रही है। यह आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद सीताराम येचुरी ने अपने बयान में लगाया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद व वर्तमान में पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी मंगलवार को प्रेस से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा कि देश की हालत काफी गंभीर है, किसानों के लिए केंद्र सरकार कुछ नया नहीं कर रही है। केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए नया कानून बनाए जिसमें फसल खरीदी अनिवार्य होना चाहिए। आज किसान व्यापारियों के शिकार बन रहे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्व सांसद सीताराम येचुरी ने कहा कि उनकी पार्टी 9 अगस्त से एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है जिसे जेल भरो आंदोलन का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश को नेता नहीं नीति चाहिए। देश की आम जनता बदलाव चाहती है और केंद्र सरकार का विकल्प तलाश कर रही है। गठबंधन के दौरान किसकी सरकार बनेगी इस बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका एक ही कहना था कि पहले चुनाव हो जाएगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि सरकार किसकी होगी। राष्ट्रीय गठबंधन चुनाव के बाद होगा, पहले नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए।